तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो अलोंग द एक्सेस लाई करते हैं, ठीक है। सपोज कोई पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, और दूसरा पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इस प्रकार से। तो बच्चों, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमें ये वेक्टर्स का डायरेक्शन कैसा फाइंड करना है? तो हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो ध्यान रहे कि डायरेक्शन can be obtained using right hand thumb rule. तो बच्चों, यहाँ पे जो है आप राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करोगे। अगर ये पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी राइट हैंड के फिंगर्स को आप जो है उस डायरेक्शन में कर्ल करो। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ दिस थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ऑल द थ्री विल मीन सेम डायरेक्शन। सिमिलरली, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जो थंब है वो पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमारा थंब जो है वर्टिकली अपवर्ड है, तो हम यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन शो करें, ठीक है। तो बच्चों, सिंपल है, जिस सेंस में रोटेशन, अगर कोई पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो फिंगर्स को ऐसे रखो। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री। सिमिलरली, अगर क्लॉकवाइज में है, तो फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट करो। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग जो है नोट करके लिख लेते हैं कि अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, देन डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज थ्री वैक्टर्स विल बी इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब आप ऐसे बना सकते हो, अगर ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे वेक्टर्स सारे के सारे अंदर की तरफ लाई करेंगे, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, तो इससे उल्टा होगा, डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड्स from the plane of paper. अब perpendicularly outwards from the plane of paper भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज भी बता देते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, तो ऑल द थ्री वैक्टर्स विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स, तो जिससे हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन में हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन है, जब ऐसा होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उस केस में पार्टिकल उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। जैसे कि हम लोग ब्रेक लगाते हैं, तब होता है, आप कार चला रहे हो, कार की मोशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पर आप ब्रेक लगाते हो, तो बट ऑब्वियसली रिटार्डिंग फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
एंड हेंस द स्पीड विल डिक्रीज और गाड़ी रुक जाती है थोड़ी देर में. सिमिलरली इन सर्कुलर मोशन ये सर्कल में आप मूव कर रहे हो, आपके एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब आपका सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है. तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि स्पीड विल डिक्रीज. ठीक है बच्चों, या उल्टा भी कह सकते हो, अगर पार्टिकल की स्पीड जो है वो कम हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. सिमिलरली अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो है पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी. यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी. ठीक है, ठीक है बच्चों, कंटिन्यूशन में स्टूडेंट्स हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो सपोज वो यहाँ से एंगल कवर करता है 60 डिग्री, ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग जो है एक्स एक्सिस कहते हैं और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस कहते हैं, मतलब पेपर से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस है. तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे एंगल कवर कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करके, तो हमें पता है जो डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ होगा, मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा कि वेक्टर थीटा इज द मैग्नीट्यूड इज पाई बाय 3 और डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो मैं यूनिट वेक्टर जे बताऊँगा. और दूसरा, अगर कोई पार्टिकल जो है सेकंड पार्टिकल ज़्यादा एंगल कवर कर रहा है, सपोज दिस एंगल इज 2π/3, तो उस केस में मैं लिखूंगा वेक्टर थीटा इज 2π/3 इंटू वेक्टर जे. मैग्नीट्यूड में अगर आप वेक्टर्स को बताना चाहते हो एरो वाइज, तो इसकी लेंथ जितनी होगी उससे इसकी लेंथ जो है वो डबल होगी. ठीक है, अगर कोई पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सपोज यहाँ से इधर साइड सेम एंगल से π/3, तो हम लिखेंगे वेक्टर थीटा इज -π/3 जे. क्योंकि इस केस में अगर कोई पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो इस डायरेक्शन में जो है, इस केस में हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए हम लोग माइनस जे यूज़ कर. सेम फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ये हमने बात की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. सेम फॉर एंगुलर वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, ये जो डायरेक्शन होता है सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन बताता है कि किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड, तो हम लोग जो है ऐसे लिखेंगे वेक्टर इज 2, और क्योंकि वापस डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा जिसमें हम लोग वाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2j रेडियन पर सेकेंड. सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हम लोग जो है मैग्नीट्यूड एरो से अगर बता रहे, तो 2 रेडियन पर सेकेंड को हम अगर इतनी लेंथ बताते हैं तो 4 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, तो हम उससे डबल लेंथ बता देंगे. ठीक है, डायरेक्शन सेम है तो हम वापस लिखेंगे 4j. ठीक है, तो बच्चों आपको जो है ध्यान रखना है कि ये एरो जो होता है वो सिर्फ सेंस ऑफ रोटेशन बताता है, एक्चुअल डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होता है वो अलॉन्ग द एक्सिस होता है, या वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, ओके.